अदरवाइज ना जब मैं नहीं होती माँ जी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो चुकी है। शाम ढल चुकी है, लाइटें हमने कर ली हैं ऑन। अदरक जो कि खाने में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आज जॉनी ने सुबह सुबह एक चूहा पकड़ा है और ना वो फेंक रहा है ना वो खा रहा है, वैसे खाता तो नहीं है, सिर्फ उसके साथ खेल रहा है और मेरे ख्याल में खेलते खेलते उसने चूहा मार दिया। जॉनी फेंक दो इसे, वापस कर इसे, ये खाता नहीं है सिर्फ खेलता है इसके साथ, और मेरे ख्याल में एक नकली चूहा लाना चाहिए हमें, चूजों को निकालना है बाहर हमने। आ जाओ भाई, खाना तैयार है बाहर आपका, ये देखिए। नहीं खांदा नहीं माँ जी, ओए निकल बाहर, गंदी हरकत करेगा घर में तेरा कोई यहाँ पे ठिकाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेवन शहजादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब फ्री होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा शेरू थोड़ा सा बीमार हो गया है और उसके इलाज के लिए इतनी ज़्यादा मेडिसिन पड़ी है, ये कुछ स्प्रे वगैरह अभी इसको ये करना है। और वैसे ये शीशी कोई और है, इसमें हमने वो मेडिसिन डाली है, ये असल स्प्रे है जिससे हमने उसकी करनी है सफाई। गाड़ी में आते हुए उसे चोट लगी है या पता नहीं क्या मसला बना है, उसे चोट लगी है तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा भी इसकी थोड़ी सी केयर करें, लेकिन चारा चारा खा रहा है भाई। हाँ शेरा, शेरा की खाना पिए, शेरू है एक्टिव वैसे माशाल्लाह, टैंकी शैंकी उसने निकाल ली है। आज इसको 3 इंजेक्शन लगे हैं दिन के वक्त, और अभी फिर मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ, वो भी सुबह लगवाने हैं हमने। हेलो कोको, युमन और बरका, उनको यही चारा डाल दिया जाता है ताकि वो हमारे सुकून, घर का सुकून ख़राब ना करें। महानूर का वीकेंड आ गया है तो इसीलिए भाई कुछ डिफरेंट बनने वाला है हमारे घर में, वैसे बनता ही रहता है महानूर हो या ना हो, लेकिन महानूर स्ट्रिक्टली कहती हैं कि जो चीज़ मैं बनाऊं वो आप ज़रूर दिखाया करें मेरे व्यूवर्स को। बिल्कुल, तो आज बन रहा है क्या? कैसे बनता है दिखने में, मतलब अब थोड़ा इसलिए डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ना ये जब तोड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। अच्छा, फिर इसको बॉईल किया जाता है, इसी कड़वाहट को खत्म किया जाता है, मतलब बॉईल करके और उसके बाद हाँ। इसको अच्छे से वो निचोड़ा गया है, फिर इसके बाद मैं इधर लेके आई, मैंने कहा चलें घर बनाऊंगी। चलें, आधी मेहनत में मुल्तान ही कर आई। जैसे ही दरवाजा खुला है दोनों नवाब आके चार पाई पे भी चढ़ गए हैं, भागो यहां से, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, नीचे आओ, एक इधर तंग कर रहा है दूसरा पौधों की तरफ जा रहा है, यार कितने शरारती हैं ये, सिम्बा पकड़ो इनको। भागो 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 भागो, सही एक्सरसाइज करवाते हैं मेरी, भागना पड़ता है इनके पीछे। शाम ढल रही है और सूरज की सुर्खी इतनी प्यारी लग रही है, आज हम अपना व्लॉग रात गए स्टार्ट कर रहे हैं, और वो इसीलिए कि आज सारा दिन हम मसरूफ रहे, जुमातुल मुबारक था तो बस सारा दिन बिजी, और महानूर का भी वीकेंड था, उनको भी लेने जाना था, फिर बाद में जब शहर गए तो वहाँ पर बच्चे बच्चों को टाइम देना पड़ा, और उनके साथ बाजार जब जाता है बंदा तो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। खैर दिन को हम व्लॉग नहीं बना सके इसलिए अभी स्टार्ट किया है, और आज जो है ना कुछ स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या बन रहा है हमारे घर में, साथ में सुकून घर की रात, इसका भी एक अलग सुकून है। कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दी गई है, इसमें प्याज और मिर्चें डाल दी गई हैं, और ऑयल में वो हो रही हैं डीप फ्राई, और फ्राई करने के बाद देखते हैं क्या होता है। सुवांजना गोश्त, बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा सुंजा सुंजा सा वर्ड लग रहा है, और वैसे मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स में से किस किस ने सुवांजना खाया हुआ है, और ना इसको और भी बहुत सी लैंग्वेज में ना इसका नाम लिया जाता है, ये भी सब कमेंट्स करेंगे कि वो इसको क्या बुलाते हैं। वैसे हम उनको पूरा दिखाते हैं ना, फिर उनको पता चलता है ये बॉयल हुआ हुआ, किसी को क्या पता ये सुवांजना।
प्याज थोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन लुक देना शुरू हो चुके हैं, और अभी जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला गया है। और साथ ही लगे हाथों हम इसमें डाल रहे हैं कि टमाटर, और ऐसे लग रहे जैसे किचन में खुद कर रहे हैं। तो ये फ्राई हो चुका है और अब इसमें जो है खुश मसाला ज्यादा डाले जा रहे हैं, जिसमें खुश धनिया है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, लाल मिर्च है, और इसके बाद हल्दी डाली जा रही है थोड़ी सी, साथ ही साथ इसमें जा रहे हैं गरम मसाला, तो एंड में नहीं डालते उतने खाना बना, और अब जा रहा है इसमें नमक। आपका हस्बे एक्स्ट्रा होते हैं, मिर्ची हस्बे एक्स्ट्रा होती है। मसाला अच्छे से बन चुका है और अभी इसमें जा रहा है जी चिकन, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन स्वांजना। स्वांजना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बार बार कहना, आप तो कहते स्वांजना इसमें, तो मैं ठहर नहीं सर्च कर लो स्वांजना कहते क्या होता है, स्वांजना कोई और नाम भी है इसका। तकरीबन पिछले 2 घंटों से हमारे घर में एक डिश बन रही है जिसे स्वांजना बताया जा रहा था, तो चूंकि महानूर जो है वो बॉयल किया हुआ ही लेके आई हैं, तो मुझे नहीं पता था ये स्वांजना क्या होता है। मैंने सर्च किया तो जो स्वांजना था वो मुरिंगा निकला है, तो मेरे व्यूअर्स वैसे पहले थोड़े से वो होंगे जिनको नहीं पता होगा स्वांजना किसे कहते हैं, वो भी सोच रहे होंगे मेरी तरह कि क्या है स्वांजना, और स्वांजना को मैं भी बड़ा इंजॉय कर रहा था कि न्यू चीज़ है, लेकिन भाई मुरिंगा ही होता है, मुरिंगे को स्वांजना कहते हैं। और किचन में आज बन रहा है मुरिंगा, जिसे थोड़ी देर पहले हम स्वांजना कह रहे थे इलम की कमी होने की वजह से, और फिलहाल चिकन जो है उसको फ्राई किया जा रहा है, और आज बन रहा है चिकन मुरिंगा। अब नया वर्ड मुँह में आ गया चिकन मुरिंगा। रात भी तो भाई यही कहते हैं स्वांजना। शाम ढल चुकी है, लाइटें हमने कर ली हैं ऑन। सामने वाली जगह जो है ना उसमें से एक खजूर का पौधा हमें नजर आता है जो कि इतना अच्छा लगता है। जॉनी कहाँ गया हुआ था आज, बाहर कुकिंग हो रही है और बार बार मुझे आवाज दी जा रही है हर स्टेप के बाद। आज के व्लॉग में आपको अतीक भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वीकेंड पे आज अतीक भी आया हुआ है। ट्रेनिंग बाकी कितने दिन रह गए आपके? 4-5 दिन। चलें 4-5 दिन बाद कट्टी कट्टा निकल जाएगा, कट्टी डीजे या कट्टा होया। अतीक अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा है मुल्तान जाके, और ये तो सिर्फ चिकन बना है यार, चिकन मुरिंगा का है, हमारा तो स्वांजना है भाई। चलो स्वांजना किधर है ये रहा। अच्छा ये अब इसमें मुरिंगा जा रहा है। अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि ये पहले से बॉयल किया हुआ है, और पहले भी वैसे मैंने बताया है, तो ये बन गया चिकन मुरिंगा, या हमारी जबान में चिकन शवारमा। नहीं शवारमा नहीं यार, कि क्या था वो, सुवांजना, सुवांजना गोश्त। माँ जी भी कह रही थी आज सुवांजना गोश्त बनावने, ये शुक्र है कि मैंने सर्च मार लिया कि मुरिंगा नहीं, तो मेरे व्यूवर्स जिनको पता था कि सुवांजना मुरिंगा होता है उन्होंने वाट लगा देनी थी मेरी। बंद करना है, दम पे लगा दिए। स्वांजना हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है, और तंदूर भी जला दिया गया है रोटियां बनाने के लिए। स्वांजना गोश्त साथ में होगी तंदूर की रोटी, और मज़ा आ जाएगा। खुशबुएं लेने के लिए ये वाली चेयर जो है ना वो तब्दील होती रहती है, पहले अतीक बैठा था और अब बिलाल साहब। आज गर्मियों वाली रात की फीलिंग आ रही है, और दिल कर रहा है कि आज बाहर ही बंदा सोए, लेकिन लास्ट टाइम हम एपिजेड फैमिली के यहाँ गए हैं तो वहाँ पे जो सर्दी थी भाई क्या बताऊँ। जब गर्मी लग रही हो ना फिर उनको याद किया करें, सर्दी खुद ही लग जाए। हाँ ये भी है, और यहाँ पर मुझे मिठाई नज़र आ रही है लेकिन अभी मैंने नहीं खाने, वैसे मीठा मैंने छोड़ा हुआ है, देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। सभी अपना अपना हिस्सा ले रहे थे और मेरा हिस्सा जो है वो यहाँ पर है। अब ये मिठाइयाँ किस चीज़ की हैं ये नहीं पता, लेकिन खाते हैं खाने के बाद। कितना मुश्किल होता है जिस चीज़ के लिए दिल कर रहा हो उसको छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन मुरिंगा हमारे तैयार हो चुका है, और अभी हम तंदूर की तरफ देख रहे हैं कब तंदूर काला होगा, और काला नहीं बग्गा होगा। अच्छा अभी वो धनिया डाली है इसमें, सब्ज धनिया। तंदूर कब बग्गा होगा और कब हमें तंदूर वाली रोटी मिलेगी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, पेड़े बन गए हैं और रोटियों की थप थप जो है ना वो भी हमें सुनाई दे रही है। बस मुझे अपनी छाबी लेके आनी चाहिए,
यहाँ पर लग चुकी है जी तंदूर वाली रोटी, और जैसे लगाइए बस एक मिनट में वो फूलती जाएगी और पकती जाएगी। चाबी हमारी आ चुकी है और रोटी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये रही रोटी और हमारा चिकन मुरंगा हमारा इंतजार कर रहा है वहां पे, जिसका पहले हम इंतजार कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। तंदूर की रोटी साथ में है जी चिकन मुरिंगा, कुछ ऐसा बना है, मुरंगा या मुरिंगा, मुरंगा चिकन मुरंगा जिसे हम सुवांजना कह रहे थे। और इसको अच्छे से सजाया गया है अदरक, जो कि खाने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में सलाद में है जी खीरा, जो कि साथ ही अटका दिया गया है। तंदूर की गर्मा गर्म रोटी और चिकन मुरंगा के साथ मिठाई, जिसके लिए हमारा दिल कर रहा था और मैंने कहा था कि खाने के बाद खाएंगे, तो मिठाई भी हमें मिल चुकी है साथ में, जो कि हम खाने के बाद ही खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लुक्मे में जो है ना मुरिंगा के साथ साथ अदरक लाजमी आनी चाहिए। और ये मैं फर्स्ट टाइम जो है वो मुरिंगा खा रहा हूँ, खा के बताता हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, मज़ा आ गया, कौड़ा जार। नहीं नहीं, अच्छा बना है। महनूर को सुनाने के लिए मैंने कहा है कि ये कड़वा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। महनूर डर रही थी ना कि कहीं कड़वा ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया है, बिलाल और बाबा जान अब खा रहे हैं, और ज़बरदस्त बना हुआ था चिकन मुरंगा। और जो मुरंगा था ना वो थोड़ा सा कीमा की तरह फील हो रहा था, लेकिन मज़ेदार था। मनूर को थोड़ा सा हमने तंग करने के लिए कहा है कि कड़वा बना, लेकिन नहीं जी। और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।